हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का पैलमिल के एक और नए एपिसोड में। पिछले कुछ एपिसोड गाइस हमारे जो ब्रीडिंग में निकल गए यार काफी ज्यादा, और अभी आज हम क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर देना मेरे दोस्तों। और गाइस, अगर अभी तक आप लोग ने हमारी पैलवेल्ड की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी है तो मैं बोलूंगा पैलवेल्ड नाम की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट जरूर से कर लेना। वहां पे आपको हमारे अभी तक के अपलोड हुए वे सारे के सारे एपिसोड पैलवेल्ड के मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग ने अलग अलग बॉसेस से फाइट ली है, उनको मारा है, तो काफी ज्यादा ओपी वाली वीडियोज है, तो वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। सो चलो अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है पैलवेल्ड का वो शुरू करते हैं। जिनको पता नहीं प्रीवियस एपिसोड में क्या हुआ है, तो हम लोग ने गाइस यहाँ पे लकी और ब्रेव, उसके बाद सीरियस अरे फ्यूरियस और मसलेड, ये दो भाई टोकड़ों को उसको ब्रीड करने के लिए डाला है। इनमें से जो टोकड़ों को निकलेगा वो हमारा होगा बॉस किलर टोकड़ों को, एक भी फालतू की स्किल यहाँ पे नहीं। उसके बाद यहाँ पे फ्यूरियस आइस इंप्रर मसलेड और यहाँ पे आइस इंप्रर लेजेंड, तो ये दो भाई हम लोगों ने जो है ना गाइस फ्रॉस्टलैंड को ब्रीडिंग के लिए डाला है। इसमें से जो फ्रॉस्टलैंड निकलेगा वो होगा भाई अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा पैल, अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल। ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है, जितने भी पैल्स हम लोग ने अभी तक कैप्चर करे उन सारे पैल में सबसे ज्यादा पावरफुल पैल इन्हीं अंडों में से मुझे मिलने वाला है, जो कि सारे डैमेज के रिकॉर्ड्स तोड़ देगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हो मैं अंडे इनक्यूबेट कर रहा हूँ, बट जो हम लोग को चाहिए वो मिल नहीं रहा, लेकिन मिलेगा, योगा से योगा गाइस मिलेगा, पक्का 100% मिलेगा। तो अभी आज हम क्या करने वाले, आज भाई ब्रीडिंग नहीं करेंगे, काफी टाइम से हमारा लगातार ब्रीडिंग का ही काम चल रहा है। तो आज के इस एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ क्यों ना चल के हम लोग जो है गाइस यहाँ पे कुछ बॉसेस की बैंड बजाय, पब्लिक बोल रही पूरा मैप एक्सप्लोर करो, तो गाइस जो हमको जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए थी वो हमने कर ली है। अब पहले इस फैंगलोप को मार के आ जाओ यार, ये इकलौता ऐसा बॉस बचा हुआ है जिसको मैंने मारा नहीं है, बाकी सारे बॉसेस को हम लोग ने मार दिया है। मैं सोच रहा था गाइस कि आज भाई आइलैंड पे जाए हम लोग और वहां से जो ना गाइस शाइनी वाले कुछ बॉसेस को कैप्चर करके लेके आए, बट क्या सीन है बताए गाइस, वो शाइनी बॉसेस को कैप्चर करने में ना हमारे 3-4 घंटे और चले जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं बॉस आइलैंड पे आज नहीं जाऊंगा, कभी आराम से फुर्सत में जाएंगे और शाइनी वाले बढ़िया से पैल जो है जो कैप्चर करके जरूर लेके आएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं जो हमारा आखिरी बॉस बचा हुआ है जिसको मैंने अभी तक मारा नहीं है, ठीक है, जो कि होने वाला है इधर साइड कहीं पे, हाँ इधर कहीं पे, ठीक है, फैंगलोप है गाइस आखिरी बॉस जिसको मैंने अभी तक मारा नहीं है, तो इस वाले बॉस को जो है ना जरा सा भाई मार के आ जाओ मैं जल्दी से, ठीक है, इससे अभी तक हम लोग ने बॉस फाइट करी नहीं है, इसको तो मैं अपने रॉकेट लॉन्चर वाले अटैक से ही मार दूंगा, इसको कैप्चर करूंगा यार, कैप्चर करूंगा क्योंकि इस बॉस को हमने कैप्चर भी करा नहीं होगा, ठीक है। ये फैंगलोप रहने वाला हमारा इस झरने के पीछे, हिडन गुफा देख रहे हो कहाँ पे, झरने के पीछे, कैसे पता चलेगा बताना गाइस झरने के पीछे कोई गुफा है भाई, ये मैंने जो ना गाइस अपने हार्डकोर जो चल रहा है पैलवेल्ड का उसमें ये देखा था भाई, ये बॉस इस झरने के पीछे वाला, चलो आ जाओ अभी जल्दी से, है इसकी हेल्थ पहले से डाउन है यार, बॉस ही नहीं है पहली बात तो, यार पहली बात तो यहाँ पे बॉस ही नहीं है यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है भाई, बॉस ही नहीं है। ओ यहाँ पे एक फायर स्टॉर्म वाला वो मिला मुझे, फायर फ्रूट मिला स्किल वाला, यार व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस, मैं आखिरी बॉस को मारने है, आखिरी बॉस गायब ही है, डार्क लेजर छोड़ो कहीं पे होगा तो लग जाएगा, इनविजिबल है क्या पता नहीं यार, नाइट मेर बॉल यार, रुको ये अगर यहाँ पे कहीं पे ग्लिच से अटका हुआ है तो इसका डिवाइन डिजास्टर अटैक उसको लग जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक टारगेट लॉक पे चलता है, आई डोंट नो पता नहीं कहाँ पे गाइस, यहाँ पे तो नहीं है, वो ग्लिच से कहीं पे तो भाई गायब हो चुका है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ चलो अबे हम लोग जो है गाइस यहाँ पे चलते जल्दी से जो है ना गाइस कुछ ओपी वाले जो है बॉसेस को कैप्चर करने के लिए। यस गाइस, आज तुम्हारा भाई कुछ ओपी और खतरनाक से बॉसेस को कैप्चर करने वाला है, और हमेशा हम डेजर्ट बायोम वाले भाई उस आइलैंड पे जाते हैं ना, शाइनी अगर मिल गया ना तो हमारा लक रहेगा, ठीक है, शाइनी मिल गया तो लक रहेगा, बट हम डेजर्ट बायोम वाले आइलैंड पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस वाले आइलैंड पे, इस आइलैंड पे भी 40-50
लेवल के शाइनी अगर हुआ तो 50 लेवल का होगा, वरना ऐसे 40-45 लेवल के बॉसेस हमको मिलेंगे। ठीक है, किसको मार रहा है भाई? किसको मारने के लिए इसने चार्ज करा था? आ जाओ चलो, इस आइलैंड पे काफी ज्यादा टाइम हो गया, हम लोग जो है ना बिल्कुल भी गए नहीं है, तो अभी टाइम आ चुका है कि इस वाले आइलैंड पे जो है ना थोड़े से सर्च करे बॉसेस को, ओपी वाले बॉस। और जो हाई लेवल के खतरनाक से बॉस मिलेंगे मैं उनको पकड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना इस वाले आइलैंड पे जिन बॉसेस को हम पकड़ेंगे उनके पास हम लोग को गोल्डन स्किल्स मिलेगी बढ़िया सी। ठीक है, अरे नहीं ये नहीं, ये नहीं, ए सॉरी रॉन्ग आइलैंड गाइज, गाइज रॉन्ग आइलैंड। डरना है करे, डर नहीं लगता, मरना है क्या, डर नहीं लगता तेरे को? गाइज रॉन्ग आइलैंड पे आ गए, ये आइलैंड नहीं था इसपे, तो हमारे वो सारे ये आइलैंड पे जितने भी बॉसेस होते हैं ना अवेलेबल, उन सारे बॉसेस को हम लोग कैप्चर कर चुके हैं। यहाँ पे पेनकिंग मिलता है, ग्रिजबोल्ड मिलता है, वो गोल्डन रेंडियर मिलता है, काफी सारे बॉसेस मिलते हैं, सबको हम कैप्चर कर चुके हैं। ओ इधर जाना था, ये देखो स्पॉन हो रहे, ये देखो पुलिस भाई कैसे स्पॉन हो रहे, देखना कैसे स्पॉन हो रहे हो, पानी में गिर रहे हैं भाई, क्या गुंडा बनो गिर पुलिस वालों तुम। चलो आ जाओ जल्दी से हम लोग हमारे वो आइलैंड पे चलते, क्या पे वो आइलैंड, ये रहा गाइस। ठीक है, इस वाले आइलैंड पे हमको नए नए वाले बॉसेस मिलेंगे, बुशी वगैरह इस आइलैंड पे नहीं होगी, इस आइलैंड पे अलग बॉस होते हैं, और जो हम लोग भाई इतने टाइम से शाइनी वगैरह कैप्चर करने के लिए दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं ना, उस आइलैंड पे अलग बॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इस वाले आइलैंड पे देखते आज कौन सा बॉस मिलता है। यहाँ पे अगर शाइनी मिल गया ना तो मजा आ जाएगा, यहाँ पे भी काफी खतरनाक वाले बॉसेस वैसे देखने को मिलते हैं हमको। ये नंबर 2 वाली भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई। ठीक है, यहाँ पे कौन से बॉस होंगे पता है? यहाँ पे कौन सा बॉस होगा भाई? यहाँ पे बॉस ही नहीं दिख रहे पहली बात तो। हाँ यहाँ पे हमको मिलेगा भाई जर्मन टाइड इग्नेस, काफी पब्लिक बोल रही जर्मन टाइड। गाइज स्पॉन रेट बढ़ाता, मैं एक मिनट रुक जाओ गाइज, मुझे एक लिमिट दो, मैं स्पॉन रेट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इस वाले आइलैंड पे जो ना कि हमको शाइनी वाले पैल जो है वो मिलने का चांसेस काफी ज्यादा हाई हो सके। अभी 1 है गाइज यहाँ पे स्पॉन रेट, उसको मैं कर देता हूँ लगभग 3 मैक्स कर देता हूँ, स्पॉन रेट को मैक्स कर देते हैं हम लोग। ऑलराइट गाइज ज्वाइंट मल्टी, और हमारा एक मल्टीप्लेयर भी सर्वर बना लिए 1 महीने के लिए अपने पब्लिक के लिए, वो मल्टीप्लेयर सर्वर सिर्फ 1 महीने के लिए। पैल अपीयरेंस रेट व्हाट? अच्छा पैल कैप्चर रेट 1 ही रहेगा भाई, ये तो डिफॉल्ट होना चाहिए। पैल अपीयरेंस रेट ये रहा 3 भाई, मैक्स है 3, डन। पैल अपीयरेंस रेट हम लोग ने गाइज यहाँ पे मैक्स कर दिया है, अभी जल्दी से चलते हैं गाइज और फटाफट से यहां से अगर मिल गया ना, किस्मत ने साथ दिया तो शाइनी मिल सकता है, शाइनी भी नहीं मिला ना तो भी हम लोग कुछ ओपी वाले पैल्स पकड़ के जाएंगे। पब्लिक जो पुरानी वाली पब्लिक है उनको पता है, लेकिन जो नई पब्लिक है ना उनको पता नहीं है कि हम लोग जो है ना गाइज जर्मन टाइड इग्नस को, ओ लाला दिस स्ट्रेंज ब्रो, रेड रेड बोलते फुल रेड रेड, ये जाएगा नहीं अभी जब तक हम लोग हमारे बेस पे नहीं जाते, रेड रेड वेदर फुल आ गाइस, फुल रेड रेड वेदर। ठीक है, ओ इनको कैप्चर करा जाए कैप्चर, आओ जर्मन टाइड इग्निस और किम्ब्रिन को कैप्चर करता हूँ गाइज, मैं बेस पे जाके आऊंगा एक बार, और ना रेड रेड वाला वेदर ऐसे ही चलता रहेगा, इससे कैप्चर होगा नहीं यार, अल्ट्रा बॉल हेलो ब्रो, चलो आ जाओ गाइस किम्ब्रिन को कैप्चर करते, डन गाइस। नाम अंडाना हर रोज दिवाली नहीं होती है, हर रोज दिवाली नहीं होती है भाई, लाड में कैसे अटैक कर रहे थे, पर तुम्हारा भाई भी प्रो बेस्ट ऑफ प्रो है भैया, इसको ठीक है, इन बॉसेस को कैप्चर कर लेता हूँ, आ जाओ भाई, लियो भाई कोई ना कभी कभी लग जाता है ऐसा। और जर्मन टाइड इग्निस, अरे यार मैं वो गन यूज करता हूँ ना अपनी, रुको ये लो बूम, ये लो गाइस, या भाई यार मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस आइलैंड पे, ये रेड रेड वेदर में पूरा अंधेरा छा चुका है गाइस, पता नहीं क्यों ये अंधेरा क्यों छाया भाई, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। पहली बात तो जर्मन टाइड इग्निस जो गाइस पब्लिक बोल रही थी भाई जर्मन टाइड इग्निस अभी तक आपने कैप्चर नहीं करा, उसको कैप्चर कर लो, ये लो गाइस, ये लो, जो नए व्यूवर्स है ना उनको पता नहीं है गाइस, ठीक है, इसलिए दिस इज फॉर न्यू व्यूवर्स। 3 गाइस, कितना? 3 जर्मन टाइड इग्नस तुम्हारा भाई अभी कैप्चर करेंगे, 3 जर्मन टाइड इग्नस, ऑलराइट गाइस 3 जर्मन टाइड इग्नस, अभी तुम्हारा भाई 3 जर्मन टाइड इग्नस कैप्चर करने वाला, ठीक है।
देख रहा है क्या भाई? चलो लो गाइस, ठीक है, जो पब्लिक बोल रही थी जर्मन डेड इग्नेस अपने कैप्चर नहीं कराए, कर लो, ये लो गाइस, जर्मन डेड इग्नेस भी कैप्चर हो गया। और मैं एक बार ना गेम रिस्टार्ट करता हूँ, एक और बार ये रेड रेड वाला चला जाए यार, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मिसाइल से मारूं क्या? मिसाइल से कैप्चर, ये देखो मिसाइल से मैं इधर मारूंगा, ये निकल गया ना, देखो इधर मारूंगा वो लगेगा उसको जाके, देखना नहीं लगा वो कहीं पे नीचे किस, अच्छा इसको लगा जाके यार, ये कहाँ से आ गए, इसको जाके लगा भाई, इस चमन को जाके लगा, ठीक है भाई इसको जाके लगा भाई, ठीक है। जर्मन डेड इग्नेस भाई हो जाओ कैप्चर, है इतना क्या भाव खा रहे हो, गए गाइस तीन जर्मन डेड इग्नेस हम लोग ने कैप्चर कर लिया, डन 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 गाइस पुश। चलो अरे मत मार रहे, मत मार, मासूम से बच्चों को क्यों मार रहा है तू, मासूम से बच्चों को क्यों मार रहा है, रुको गाइस अभी मैं जल्दी से रेड वाला वेदर जो ना कहीं जा रहा है क्या देखता हूँ, ठीक है गेम रिस्टार्ट करके। यार रेड वाला वेदर पता नहीं क्यों आ गया, इससे ना पूरे उस आइलैंड पे अंधेरा अंधेरा ही छा चुका है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था भाई, पूरा अंधेरा कायम रहे भाई, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था। चलो आ जाओ अभी जल्दी से भाई वापस से रिस्टार्ट कर दिया मैंने गेम, उम्मीद कर रहा हूँ वो अंधेरा अंधेरा जो है गाइस वो यहाँ पे हट जाए, यार नहीं हटा तो भाई फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे बेस पे जाना पड़ेगा फिर। अरे यार इस आइलैंड पे ये अंधेरा ऐसे रहेगा, ठीक है रुको गाइस मैं बेस पे जाता हूँ, बेस पे जाता हूँ, ये इस आइलैंड पे अंधेरा ऐसे रहेगा, ठीक है ये देखो अगर हम लोग हमारे बेस पे जाते हैं ना, ये देखो पूरा गेम ग्लिच हो गया भाई, पूरा गेम ग्लिच हो गया है, पूरे गेम पे ये रेड रेड वाला जो गाइस अंधेरा कायम रहे भाई वो वाला इफेक्ट आ चुका है, बताओ क्या ही बोले। ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखो अभी यहाँ से अगर मैं रिटर्न जाऊँ तो रेड रेड वाला इफेक्ट आएगा यार, वो नहीं आ रहा है, आ रहा है 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 आ रहा है, घर पे जाके रिसेट वो करना पड़ेगा, रिस्टार्ट गेम, रुको हम घर पे जाते हैं गेम रिस्टार्ट करते हैं फिर वापस से गेम में आते हैं तो सारी चीज़ें जो गाइस वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है गाइस, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ चलो नाउ गेम रिस्टार्ट कर लो एक बार, ठीक है एक बार गेम रिस्टार्ट कर लो बस, ओके अपना भाई गेम सेव हो रहा है, गेम एक बार रिस्टार्ट कर लो फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है काम 25 है, काम 25 है, अभी वापस से हम चलते हैं गेम के अंदर, ठीक है वो रेड रेड वाला जो इफेक्ट है गाइस वो बस हट जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, और उम्मीद कर रहा हूँ गाइस कि अभी वो इफेक्ट जो है गाइस वो हट चुका होगा, ऑल राइट उम्मीद कर रहा हूँ गाइस हट चुका होगा, देखते चलो लेट्स सी, ओके अभी हम लोग को बस वापस से बॉस आइलैंड पे जाना है, कौन से बॉस आइलैंड पे गए थे हम, ये वाले ना, ठीक है यहाँ पे भी एकदम खतरनाक ओपी वाले बॉसेस कैप्चर करेंगे हम, ठीक है एकदम खतरनाक वाले बॉसेस को कैप्चर करेंगे, आ जाओ अभी वहाँ पे बस वो इफेक्ट ना भाई पड़े रेड रेड वाला, वो गेम रिस्टार्ट करने से गाइस वो इफेक्ट वहाँ पे पड़ गया था, अभी यहाँ पे हमने जर्मन टाइड इग्निस कैप्चर करे, उसके बाद वो हमारे ड्रैगन्स थे ओपी वाले उनको भी कैप्चर कराए, ठीक है अभी मैं जल्दी जल्दी से जो है गाइस यहाँ पे इस आइलैंड पे पहुँचता हूँ और खतरनाक से जो है ना कुछ पैल्स को हम कैप्चर करने का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है इधर आओ निच्चू, वंपू बोटान भाई नहीं चाहिए मुझे, वंपू बोटान भाई नहीं चाहिए, अरे यार इन लोग ने देख लिया मुझे, वंपू बोटान नहीं चाहिए, वंपू बोटान हम कैप्चर कर चुके हैं भाई काफ़ी ज़्यादा, मुझे कुछ नए और ओपी वाले पैल्स चाहिए, ठीक है नए और ओपी वाले पैल्स, और उन्हीं की तलाश में मैं अभी भटक तो रहा हूँ इधर, मेना सिंह कर ले रुको पहले ना, ये लो बेटा क्लाउड में आ रहे हो, मिसाइल मैं मिसाइल से भून के रख दूंगा, हीरो बन रहे गाइस मिसाइल से भून के रख दूंगा भाई हमारे जेट्रोगन को फ्लावर समझे हो क्या गाइस, मेना सिंह को कैप्चर करता हूँ, ठीक है मेना सिंह को कैप्चर करता हूँ क्योंकि मेना सिंह की जो ना गाइस यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको लेवल अप और इवोल्यूशन निकालने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है फिलहाल के लिए, तो हम मेना सिंह को कैप्चर करते हैं, ठीक है आ जाओ लेट्स गो गाइस मेना सिंह भाई को कैप्चर करेंगे, नहीं तू डिवाइन डिजास्टर डालेगा भाई, ठीक है अल्ट्रा स्पेयर है मेना सिंह कैप्चर हो जा, गोल्डन स्किल मिल जाए इनमें बढ़िया सी, मज़ा आ जाएगा बढ़िया सी गोल्डन स्किल मिल जाए इन मेना सिंह्स में, मिली क्या 20,000 XP मिला बट गोल्डन स्किल नहीं मिली, इसमें देखता हूँ गाइस इस वाले मेना स्टिंग में हम लोग को गोल्डन स्किल मिलती है क्या, ऑल राइट अरे यार ये मर गया यार ये वाला मेना स्टिंग गलती से, गोल्डन स्किल मिल जाए
ताकि इनका ब्रीडिंग वगैरह जो है जो हम लोग अच्छे से कर सके। ठीक है। अरे वाह, ओवरवेट हो गया मैं, पता नहीं क्यों मेरे पास ऐसे काफी ज्यादा चीजें जो है वो आ चुकी है, इसलिए मैं ओवरवेट हो गया। और क्या चीज है कोल भाई इतना ज्यादा? डिफेंस पेंडेंट ड्रॉप करो, जरूरत नहीं इनकी। ठीक है चलो भाई, कोल कुछ ज्यादा ही आ गया था। वो मीना सिंह अभी वाला गोल्डन स्किल वाला निकला क्या अपना? मैंने चेकआउट नहीं करा यार, चेकआउट नहीं करा मैंने। चलो गाइस ढूंढते और गाइस ओपी वाले पैल्स यहाँ पे हमको मिलते हैं कि नहीं। ठीक है आ जाओ भाई, यहाँ पे लैंड कर लो यार। ये चेस्ट ओपन करता हूँ, इसमें से भाई ग्रास वगैरह भाई देखो भाई, स्पाइन वाइन करके कोई गाइस मुझे स्किल मिली है बढ़िया सी। तो इसमें जो है गाइस काफी ओपी ओपी वाली स्किल जो है गाइस वो भी हम लोग को मिल रही है। एंड बुम्पू बुटान जर्मन टाइड इग्नेस, और कोई डंकी चीज नहीं है क्या? यही बस, और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा वैसे यहाँ पे। वुम्पू बुटान और जर्मन टाइड इग्नेस ही है क्या? और एक मेना स्टिंग गाइस, और कोई बॉस नहीं है? मैं कुछ ओपी वाले बॉसेस ऐसे कैप्चर करके लेके जाना चाहता हूँ। बुम्पू बुटान हम काफी ज्यादा कैप्चर कर चुके और इनका कुछ यूज भी नहीं होता बुम्पू बुटान का। ठीक है सो इसलिए बुम्पू बुटान को हम लोग इग्नोर मारते हैं। बीटल वाह, इस बीटल वाह को कर ले, बीटल वाह को कर लेता हूँ। बीटल वाह मर ना जाए कहीं तेरे को, बीटल वाह मर ना जाए कहीं पे। फायर बॉल डाल, अरे यार, अरे अरे आग लगी बीटल वाह को, आग लगी बीटल वाह को। रुको, अरे तुम कहाँ से आ गए भाई? गाइस तीन बीटल पकड़ के लेके चलते हैं, तीन बीटल्स पकड़ के लेके चलते हैं। ठीक है ये देखो, ये बीटल फालतू में मारने के लिए आ रहा है मेरे को, इसको पता नहीं शायद कि ये मेरे को मार नहीं सकता। ओके बीटल मिल गया, ब्लरी बॉडी डिफेंस वाली गाइस स्किल मिली है, डिफेंस वाली स्किल मिली है। ये लो, ये लो। वो गाइस कैप्चर करते बीटल को, ये वाले मिसाइल से इसकी हेल्थ डाउन करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, जैसे उठेगा वैसे और मिसाइल खाएगा, एक दो दो और मिसाइल। ठीक है ये ले, तेरे को भी खाना है मिसाइल, ये ले तू भी खा ले। जैसे उठा वैसे मिसाइल खाया भाई, चला आ जाओ। इसको भी कैप्चर करा जाए यार, इसके ऊपर से ना मिस हो रहे बॉल्स रे गाइस। रुको इसके ऊपर से लॉगिंग फॉर्मेट, ओके मतलब क्राफ्टिंग वाली कुछ स्किल मिली है ओपीसी इसको, क्राफ्टिंग नहीं सॉरी माइनिंग वाली, लॉगिंग वाली नॉट माइनिंग, लॉगिंग वाली स्किल मिली है गोल्डन वाली। ठीक है अरे मर जाएगा भाई, जल्दी कैप्चर हो जा, जल्दी कैप्चर हो जा और सेकंड भाई। गाइस आज तो बॉसेस भाई यहाँ पे इस बॉस आइलैंड पे कुछ कैप्चर करेंगे हम लोग। ठीक है ओपी ओपी से बॉसेस भाई, वॉर्सेक जर्मन टाइड इग्नेस मेना स्टिंग और कौन कौन कैप्चर करा है, इतने कैप्चर करे ना शायद से। हार्ड स्किन, नहीं यार उतने ओपी स्किल नहीं मिले मुझे। अरे मत मारी मासूम से भाई पुलिस वालों को, ये हमारे बेस पे आके हमारा पीछा छोड़ेंगे। अभी पीछा छोड़ा भी तो भी वापस से पीछे लग जाएंगे क्योंकि हम लोग इल्लीगल जो है आइलैंड पे पहुंचे हुए हैं। शाइनी अगर मिल जाए ना सच में भाई मेरा लकी दिन रहेगा, अगर आज इस भाई आइलैंड पे शाइनी मिला ना मेरे को भाई सच में मेरा लकीस्ट डे होगा भाई आज का। बट शाइनी मिलने के ना चांसेस काफी कम है, देखते कुछ और नए भाई बॉसेस मिल जाते हैं ना तो उनको जल्दी से हम कैप्चर करेंगे। कितना लेवल है? 40-43। अब मेना स्टिंग चाहिए गाइस मुझे, हाँ मुझे मेना स्टिंग चाहिए भाई, मुझे मेना स्टिंग चाहिए गाइस, मुझे मेना स्टिंग जितने ज्यादा हो सके उतने कैप्चर करने क्योंकि अभी आगे जो है गाइस हम लोग मेना स्टिंग की भाई लेवल अप शेवल अप करें। मर गया भाई, मर गया बेचारा मेना स्टिंग, ये वाला मेना स्टिंग की पेटी भर गई बेचारे की यार। ये ले हो जा कैप्चर। ठीक है एक और मेना स्टिंग होगा, एक और होगा मेना स्टिंग भाई, रुको मेरे पास 13 अल्ट्रा बॉल बचे हैं गाइस, 13 अल्ट्रा बॉल में जितने यहाँ से बॉस कैप्चर हो सकते हैं उतने करके लेके जाऊंगा मैं। ये आ गया उसका दोस्त बचाने के लिए, उसको भाई इसका दोस्त बचाने के लिए आ गया। ये ले भाई शॉटगन, जब से आई है ना तब से हमारे लिए इन बॉसेस को कैप्चर करना बच्चों का खेल हो चुका है। अरे यार माइनस वाली स्किल मिली है, माइनस वाली स्किल मिली है एक भाई फालतू सी। इधर रात भी हो चुकी है, रात में देखते हैं गाइस इस आइलैंड पे ना रात में कौन कौन से ओपी वाले पैल जो है गाइस वो स्पॉन होते हैं। ठीक है भाई खत्म, 5 बॉल बची है अल्ट्रा वाली, अल्ट्रा 5 बॉल बची है बस। अरे हो जा मेना स्टिंग भाई कैप्चर जल्दी से। पुलिस भाई, पुलिस भाई रुको गाइस रुको, पुलिस भाई फट से हेडशॉट खाए तो भी तोबड़े फिर आज खाओगे और मरोगे भी, आज खा के मरेगा भी, आज खा के चल हाँ तुम्हें पंगे ले रहे। अरे हो जा आखिरी एक बॉल बचा यार,
आखिरी एक बॉल बचा है। ये क्या है? अच्छा ये यहाँ पे वो था, हो गए ठीक है, इसको भाई ड्रॉप कर लेते हैं। बॉल खत्म। अरे यार गीगा स्पेयर नहीं, मेगा नहीं। अरे यार लेजेंडरी 6 बचे हैं, अगर इस एक में कैप्चर नहीं हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी। लेजेंडरी स्पेयर पे का, अब लेजेंडरी से भी कैप्चर नहीं हो रहा। 45 लेवल का तो है भाई मेना स्टिंग भाई। ऐसा है क्या अगर कैप्चर करने के बाद इसको पे फालतू सी स्किल मिली ना तो देख। अरे यार भाई भाई कितने बॉल खा रहा है मेरे, कितने बॉल खा रहे ले, कितने बॉल खा रहा है भाई। खत्म, ये आखिरी बॉल है, इसके बाद रुक नहीं, अभी कैप्चर ना हो, नहीं अभी कैप्चर ना हो, रेडियो में बाहर अभी हुआ। देखो आखिरी बॉल पे कैप्चर हुआ और कोई गोल्डन स्किल भी नहीं मिली हमको। वाह भाई वाह। अभी यहाँ पे अगर कोई पैल स्पॉन भी हो जाता है बॉस वगैरह तो उसको कैप्चर करने के लिए तुम्हारे भाई के पास कोई भी बॉल बचे नहीं है। तो चुपचाप से घर पे चलते हम बॉल बनाते हैं अल्ट्रा और लेजेंडरी वाले और बाद में कभी आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। बट आज गाइस काफी सारे बॉसेस हमने कैप्चर करे। हाँ इन बॉसेस को मैं पहले ही कैप्चर कर चुका था बट मैंने वापस इनको इसके लिए कैप्चर करा था कि मुझे कुछ गोल्डन वगैरह स्किल वाले बॉसेस है ना वो मिल सके। रात हो चुकी है पूरी तरीके से तो घर पे जाके जल्दी से सो जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ हमारे बेस पे ब्रीडिंग वगैरह जो है हमारे इन पैल्स की वो अच्छे से चल रही हो। यार इन्होंने ब्रीडिंग पॉज करके रखी थी, वाह एक भी अंडा नहीं मिला, एक भी अंडा नहीं मिला, क्या हुआ? अच्छा पुलिस आई है भाई पीछे, ए उड़ा दो रे पुलिस को उड़ा दो। मैं ब्रीडिंग एक्टिवेट कर देता हूँ, ब्रीडिंग इसकी एक्टिवेट हो गई है, अभी करी इन्होंने ब्रीडिंग एक्टिवेट। भाई टोकड़ो को भाई वहाँ नहीं, अंदर अंदर अंदर, आपका पार्टनर जो है आपका वेट अंदर कर रहा है ठीक है। पुलिस भाई, पुलिस भाई जल्दी है क्या मरने की, मरने की जल्दी है क्या ज़्यादा ही? और ए भाई वांटेड, वांटेड लगा हुआ है, वांटेड लगा हुआ है, रुको पुलिस और आएगी। ये वांटेड हटेगा तभी गाइस हम लोग सो पाएंगे वरना सो नहीं पाएंगे। वांटेड हटने दो गाइस, रुको भाई ये वांटेड कब हटेगा? वांटेड हटने तक हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, वांटेड हटने के बाद ही हम लोग जाके सो पाएंगे। चारकोल चाहिए, थोड़ा चारकोल चाहिए, रुको बॉल बनाने के लिए चारकोल की ज़रूरत पड़ेगी। यार वांटेड हट जाए भाई जल्दी, चारकोल 800, चारकोल ज़्यादा नहीं अपने पास ठीक है, 500 चारकोल बनाने के लिए डाल दिया मैंने। इस चारकोल की मदद से मैं यहाँ पे कार्बन फाइबर बना लेता हूँ जल्दी से। कार्बन फाइबर से हमारे बॉल्स बनते हैं ठीक है, ये वाला कार्बन फाइबर ज़्यादा नहीं बन रहा, मुझे और चारकोल चाहिए होगा। रुको गाइस चारकोल जो है गाइस वो और मैं लेके आता हूँ, वुड चाहिए होगा मुझे उसके लिए ठीक है। बॉल बनाने पड़ेंगे अल्ट्रा और लेजेंडरी वाले। ये सबसे पहले तो गाइस जो बॉसेस मैं कैप्चर करके लेके आया हूँ उन बॉसेस के दर्शन आपको करा दूँगा इसमें ठीक है। आ जाओ, जो बॉसेस में इतने मेहनत से कैप्चर करके लेके आया हूँ, पहला ये बीटल, दूसरा मेनास्टिंग, तीसरा इग्निस जर्मन टाइड और चौथा ये वाला भाई ठीक है। सो गाइज ये हमारा फर्स्ट बॉस वॉरसेक, इसके ऊपर हम लोग बैठ नहीं सकते, तारा सा बीटल बॉस है, इसको हम लोग पहले भी पकड़ चुके हैं। इसकी वीडियो, इसका अटैक वगैरह क्या है वो अगर आपको चेकआउट करना है प्लेलिस्ट सेक्शन में पालवल नाम की प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लेना, वहां पे आपको इसके कैप्चर वाली वीडियो मिल जाएगी। उस अटैक, उस वीडियो में हमने बॉसेस को भी बिड़ाया है इस वॉर सेक्ट से ठीक है। अगला है भाई हमारा क्यूब्रन। क्यूब्रन जो है गाइस एक ड्रैगन टाइप पाल है और दिखने से आपको भाई पता चल ही रहा होगा कि एक क्यूट सा नन्ना सा छोटू सा मोटू सा जो है गाइस एक ड्रैगन है ठीक है। ये जो है ना गाइस एक छोटा सा मोटू सा ड्रैगन है गाइस, यहाँ पे इसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। जितने भी गाइस आज हम लोग ने बहुत सैलेट पे पाल कैप्चर करे वो पहले हम कैप्चर कर चुके, सारे गाइस पैल्स को कैप्चर करने की, बॉस फाइट करने की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। सो ये गाइस हमारा क्यूब्रन, इसको भी मैंने गोल्डन स्किल मिले इसके लिए गाइस कैप्चर करा उस बॉस आइलैंड से। देन अगला आता है हमारा जर्मन टाइड, इसके बारे में तो आपको बताइए। जर्मन टाइड इग्निस से तो हमने काफी ज्यादा बॉस फाइट्स भी लिया है। हाँ जर्मन टाइड इग्निस को अभी तक मैं मैक्स लेवल और 4 गोल्डन स्किल वाला जो है ना गाइस करा नहीं है ठीक है। काफी पब्लिक बोल रही है कि जर्मन टाइड इग्निस को मैक्स लेवल का कर दो, तो इसकी भी मैक्स लेवल बहुत ज्यादा जल्दी होगी गाइस ठीक है। इसकी कैप्चर की वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद है मेनास्टिंग। ये मेनास्टिंग से ना एक्चुअली में मैंने कोई बॉसेस को मारा नहीं है ठीक है, मेनास्टिंग से बिल्कुल भी ठीक है। तो एक आध बॉसेस को मार के आते, उससे पहले गाइस रुको, उससे पहले गाइस चारकोल बनाने के लिए डालने दो, मुझे चारकोल बनाने के लिए डालने दो, चारकोल की बहुत ज़्यादा भाई कमी पड़ रही है। यहाँ से वुड उठाता हूँ सारा, इसे चारकोल बनाने के लिए डालते हैं ठीक है गाइस। चारकोल की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है आपको बताइए यार,
हमको चारकोल चाहिए भाई भर भर के। इधर चेस्ट है, इसके अंदर ये वुड डालो, पहले वुड डालो, वुड डालो, ठीक है। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भी मिली है यहाँ पे, रुको आगे ये चीज़ें मैं वॉल्ट के अंदर डाल देता हूँ हमारे, ठीक है। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स है भाई यहाँ पे, वो यहाँ पे डाल देता हूँ। चलो आ जाओ गाइस, ऊपर मैं अभी चारकोल बनाने के लिए डाल देता हूँ। चारकोल बनाना जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। चारकोल बना, कितना बन रहा है, 1000 बनाओ भाई, एक तो 1000 चारकोल सीधा, ठीक है। नाउ हमको जाना है सीधा अपने इस वाले बेस पे, यहाँ से मुझे और चारकोल ये सारी चीज़ें लेके आनी है। उठा के डाल दो भाई इसके अंदर, मैं भाई यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ हमारा वुड। नाइस, काफ़ी बढ़िया वुड जो है गाइस वो 6000 मिल चुका है। सो इससे हमारा चारकोल जो है गाइस वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, भर भर के चारकोल बना पाएंगे। अभी देखते हैं और जो है गाइस वो कितना इकट्ठा करा है, क्योंकि और से हमारे जो लेजेंडरी बॉल और अल्ट्रा बॉल है वो बनते हैं, ठीक है। देखते चलो और यहाँ पे कितना ज़्यादा हमारे पैल्स ने इकट्ठा करा है। इन बॉक्सेस के अंदर चेकआउट करते रुको, और 600, नाइस, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा और है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 600 और ज़्यादा नहीं गए, 600 200 कितना हो गया, 900 और है भाई, ठीक है। चलो लेट्स गो, अभी हम चलते गए सीधा हमारे बेस पे, थोड़ा चारकोल बनाने के लिए डालूंगा और भाई भूख लगी पहले तो, ठीक है आ जाओ। यहाँ पे मैं बनाने के लिए डालूंगा अल्ट्रा बॉल बनाने, बराबर 400 नहीं यार, लेजेंडरी बॉल ज़रूरी है, 123, अरे यार तो 123 बन रहा है क्यों। अब पैलेडियन फ्रैगमेंट खत्म हो गए, ऊपर से पैलेडियन फ्रैगमेंट लेके आता हूँ, लेजेंडरी बॉल बनाते गए ज़्यादा, जितने हो सके उतने ज़्यादा। पैलेडियन फ्रैगमेंट जो है गाइस ऊपर है, और चारकोल के लिए भी मुझे ऊपर ही जाना है। चारकोल यहाँ पे बनाने के लिए डालो, 7000, तो 7000 का 7000 वुड डाल दिया। पैलेडियन फ्रैगमेंट ये लो, पैलेडियन फ्रैगमेंट और ट्रिपल लाइन बनाने के लिए डालता हूँ, डन। अभी वहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लेजेंडरी वॉल बनाने के लिए ये इनगट बनाने के लिए डालते हैं। लेट्स गो बॉयज, अभी घर पे चलते हैं, जो कोल में लेके आया हूँ वो डाल देते गाइस हम लोग हमारे वॉल्ट के अंदर। ओके फ्रैगमेंट, ओके डन, लेट्स गो। हनी यहाँ पे डालनी है भाई, हनी यहाँ पे डालनी है, हनी डाल दूँ, ऑल राइट। अभी मैं मेना स्टिंग जो है गाइस हमारा उसको लेके जा रहा हूँ कुछ बॉसेस को मारने के लिए। 400 डैमेज है ये वाला भाई, ठीक है। आई थिंक से मैंने मेना स्टिंग से जो ना गाइस अभी तक किसी भी बॉस को मारा नहीं है, तो आ जाओ गाइस मेना स्टिंग से जो गाइस हमारा जोई और ग्रिसबोल्ट जो बॉस है उसकी मस्त वाली बैंड बजाते हैं गाइस, मस्त वाली, ठीक है। आराम से भाई मर बिर ना जाओगे इस फॉल डैमेज सी, मस्त वाली बैंड बजाएंगे इसकी, आ जाओ लेट्स गो। हियर वी गो लेट्स गो बॉयज, मस्त वाली जो है गाइस यहाँ पे बैंड बजाएंगे इसकी मेना स्ट्रिंग से। मेना स्ट्रिंग जो है गाइस वो एक ओके रॉक टाइप, और भाई डैमेज 4000 डैमेज तो है भाई, डैमेज तो है मेना स्ट्रिंग का, ना कोई खास गोल्डन स्किल है इसके पास, ना कोई और अटैक है, ठीक है, बट फिर भी डैमेज बढ़िया दे रहा है भाई स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन भाई बैंड बजाओ इसकी, मस्त भी की बैंड बजाओ स्कॉर्पियन भाई, ले भाई 2000 डैमेज भाई, इसका डैमेज बढ़िया जा रहा है स्कॉर्पियन का, मैंने सोचा नहीं था इतना हाई डैमेज जाएगा, बड़े मार पा रहा है इजीली भाई। अरे ये क्या हो रहा है इसको, ये पागल हो गया बेचारा भाई, पत्थर वित्तर फेंक के मार रहा है, 4400 का डैमेज पड़ रहा है बॉस के ऊपर भाई अपने मेना स्ट्रिंग का, काफी बढ़िया डैमेज दे रहा है। इधर वहाँ पे भाई कोने में जो है ना गाइस फाइट नहीं लेनी चाहिए, आराम से फाइट ले आप, ठीक है ये ले डाल, इजी पीजी हम बच्चों का खेले। ये स्कॉर्पियन के ऊपर बैठ पाते ना तो मज़ा आ जाता, बट अफसोस गाइस हम लोग इस स्कॉर्पियन भाई के ऊपर बैठ नहीं सकते यार, नहीं बैठ सकते यार, पत्थर वगैरह फेंक रहा है ये। 6000 रेल तो बची हुई है भाई, दो अटैक और उसके बाद जोई और ग्रिसबोल्ट जो है उसका गेम ओवर। रुको, दो और अटैक भाई, वो स्पेशल अटैक कर भाई, ये अटैक नहीं यार, वो स्पेशल पत्थर वाला अटैक कर, ये वाला ओके। अरे यार एक और आखिरी अटैक पत्थर फेंक के ले बेटे, इजी बॉयज लेट्स गो। यार मेना स्ट्रिंग जो है काफी बढ़िया यार, इसने जोई और ग्रिसबोल्ट को तो काफी बढ़िया तरीके से मारा, कुछ भी बोलो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से मारा, मजा आ गया भाई देख के, मजे आ गए। और एक और बॉस से फाइट करनी है यहाँ पे हमको, क्या बोलते हो, चलो आ जाओ एक काम करते हैं, वो एक का ट्रिपल है ना, पटा लिया भाई, तीन पिटा लिया को मारेगा नहीं गई, यहाँ पे आ जाओ भाई, अभी भाई खतरनाक वाली फाइट करेगा तेरा भाई, तेरा भाई करेगा अभी एकदम ओपी और डेंजरस वाली फाइट,
यहाँ पे जो है ना गाइस रिलैक्सोसोरस लक्स मिल जाएंगे, लक्स वाले रिलैक्सोसोरस जो है गाइस वो हम लोग को इसके अंदर मिल जाएंगे। और मैं उन्हीं रिलैक्सोसोरस लक्स को जो है गाइस यहाँ पे अभी अपने तीन मिलेंगे 31 लेवल के, उनको अपने अकेला स्कॉर्पियन जो है गाइस वो मारने का काम करेगा। आ जाओ, जा स्कॉर्पियन, बजा दे इनकी बैंड। तेरी बैंड ना बजा दे संभल के थोड़ा स्कॉर्पियन भाई, यू कैन डू इट। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, मुझे पूरा भरोसा अपना स्कॉर्पियन इनकी बैंड बजा देगा तीनों की भाई। नाइस डैमेज दे रहा है। ओ यार ये डैमेज काफी बढ़िया था। और यार स्कॉर्पियन की बैंड बजा दी यार, गाइस स्कॉर्पियन की बैंड बजा दी। वॉरसेक्ट भाई थोड़ा हेल्प कर लो यार, वॉरसेक्ट भाई थोड़ा हेल्प कर लो। क्यूरिन भाई आसमान की ऊंचाई पे उड़ो, अभी आसमान से हमला करूंगा मैं, आसमान से हमला ही टोर्नेडो। अरे यार ये क्या हुआ, अबे क्रैश लैंडिंग की हो गई। ग्रास टोर्नेडो, ओ यस क्रैश लैंडिंग की होगी मेरी, क्रैश लैंडिंग की होगी भाई। जा ऊपर से मारा, नीचे उतर के नहीं मारना इनको। जो भी बॉस कैप्चर करके लाए ना गाइज, वो सारे बॉस भाई आ जा इधर, तू भी आ, वो सारे बॉस इन तीनों को मिलके मारेंगे, ठीक है? कम ऑन भाई, हवा पे उठा रहा है यार उसको। जर्मन टाइड इग्निस भाई, इग्निस वाले जर्मन टाइड भाई फाइट करो ना यार, फाइट कब करोगे भाई? ये फाइट ही नहीं कर रहा। मारा भाई फायर डैमेज को, डैमेज बहुत तगड़ा है यार, देखना फायर डैमेज को, डैमेज बहुत ज्यादा तगड़ा वाला दिया है, बहुत ज्यादा। ये देखो लाइटनिंग अटैक का उतना तगड़ा डैमेज जो है गाइस वो हमारे जर्मन टाइड इग्निस का नहीं जा रहा है। लाइटनिंग अटैक उतना भाई ज्यादा तगड़ा नहीं दे रहा है, बट फायर अटैक काफी ओपी वाला दिया था भाई, काफी ओपी वाला। मजे आ गए भाई। बट इसकी बैंड बजने वाली, तो एक काम करता हूँ अभी मेना सिंह को वापस से बुला लेता हूँ, ठीक है? जर्मन टाइड इग्निस की बैंड बजने वाली थी। मेना सिंह कम ऑन, मैं अपने गन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, गन का इस्तेमाल करा ना एक फटके में मरेंगे गाइस, एक फटके में। ये जो बॉस मैं कैप्चर करके लेके आया हूँ उनकी पावर दिखा रहा हूँ मैं आपको। कम ऑन मेना सिंह मरने वाला है यार, वॉरसेट को निकालना पड़ेगा, मेरा स्टैमिना भी खत्म इसी टाइम पे होना था लग रहा है। इसके अटैक सारे चले गए लग रहे हैं, ठीक है? कम ऑन ब्रो, वॉरसेट भाई हमला बोल दो। ओके एक तो मरने वाला है गाइस, एक तो रिलैक्सोसोरस लग्स जो है गाइस वो भगवान के पास पहुंचने वाला है। ठाकुर तुत तो गए, कम ऑन नाइस, जीजी बोलते ओपी बोलते, सबकी खोपड़ी खोलते भाई, ठीक है। कम ऑन ब्रो, यू कैन डू इट। बार पत्थर वित्तर फेंक के बाण बजा, फेंक पत्थर वित्तर इनके ऊपर, फेंक दे पत्थर, जे बात आई शाबाश आई, ये बोलते स्पेशल अटैक। रुको गाइस, अनुबिस निकालो गाइस, नहीं, इनसे फाइट करने दो, इन लोग को ही फाइट करने दो। अनुबिस निकालूंगा ना एक फटके में इनकी बैंड बजाएगा, एक फटके में सीधा इनको ही लड़ने दो आपस में, आराम से भाई लोग, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे यार लाड़ में मार रहे थे। मेना सिंह गाइस एक भी नहीं मार पाए यार बॉस, ये बॉस फाइट थोड़ी बोरिंग नहीं हो रही है। अनुबिस तीन अटैक में तीन की पेटी, एक की बनी, जा अनुबिस भाई जा, दूसरे की बनी, ये होता है भाई असली पैल, जा भाई तीसरा, तीन अटैक में अटक गया अनुबिस भाई, करा दी ना बेइज्जती। अनुबिस भाई क्या कर रहे हो, सुपरमैन बन के कहाँ जा रहे हो यार, करा दी बेइज्जती भाई तूने। मेना सिंह चल, अब मेना सिंह कहाँ पर, मेना सिंह की पावर दिखानी मेरे को। मेना सिंह भाई कर दो हमला, बैंड बजा दे भाई। मेना सिंह भाई बैंड बजाओ, अटक गया बेचारा, कोने में अटक गया है, शाबाश कोने में अटक गया भाई। इसकी बैंड बजने के भाई, अरे नाइस भाई, इसकी बैंड बजने के 100% चांसेस है, ठीक है? कम ऑन नाइस, ये लो एक पत्थर और एक खत्म, एक आई यस लेट्स गो, फाइनली जाके मरे। ओ ये क्या मरी है, ओ रिंग ऑफ लाइटनिंग रेजिस्टेंस, वाह भाई वाह, ये पहली बार रिंग मिली है। लेकिन मजा आ गया गाइस, मजे आ गए। चलो आ जाओ अभी चुपचाप से घर पे चलते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, लेट्स गो। उम्मीद कर रहा हूँ भाई हमारे जो पैल्स है वो जल्दी से बहुत ज़्यादा अंडे दे दे हमको, मैं वेट कर रहा हूँ गाइस कि कब हमको जो गाइस अंडे मिलेंगे यार अपने पैल्स के। वो जो बेस पे डाले ना टोकोडोको और भाई फ्रॉस्ट्रेलियन, उनके अंडों का वेट करते करते हम बुड्ढे हो जाएंगे लग रहा है। ब्रीडिंग चल रही है, चलो लेट्स गो। तो फिर आज का एक काम कर लेते, नहीं, मुझे लेजेंडरी बॉल और बनानी है, मुझे लेजेंडरी बॉल बनानी है यार, काफ़ी ज़्यादा मैं भूल गया था,
रुको गाइस, मुझे लेजेंडरी बॉल बनानी है। लेजेंडरी बॉल बनाना पड़ेगा गाइस हमको, लेजेंडरी बॉल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे चाहिए होगा चारकोल काफ़ी ज़्यादा। कितना चारकोल बन गया भाई? 200 चारकोल, 900 चारकोल, ठीक है। इससे हम लोग कार्बन फाइबर बनाने के लिए डालते हैं। ऑलराइट गाइस, इससे बनेगा हमारा कार्बन फाइबर, ठीक है। एंड जो जितना कार्बन फाइबर बना है उतने से हम लेजेंडरी बॉल बनाने के लिए डालते हैं। पैल इनगेट कम पड़ रही है क्या? ठीक है, पैल इनगेट तो यहाँ पे हमने पिघलाने के लिए डाल दें। ओ, हमको पैल्स की कमी पड़ रही है। रुको, अभी जो जर्मन डाइड इग्निस लेके आए वो कब काम आएगा? ये लो भाई, जा जर्मन डाइड इग्निस, लेट्स गो। हाँ, अभी ये गाइस यहाँ पे पैल इनगेट जो है गाइस वो हम लोग को पिघला के दे देगा। और अगले एपिसोड तक जो है गाइस हमारा बड़े आराम से जो है गाइस अगले एपिसोड तक काफ़ी सारे हमारे पास लेजेंडरी वाले बॉल आ जाएंगे। और इनके अंडे जो है गाइस लगभग 10 या 15 हो जाएंगे ना, तभी मैं एक साथ इनक्यूबेट करूंगा। एक 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 करके इनक्यूबेट नहीं करने वाला, तो इनको जो है गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग करने दो। अगले वाले एपिसोड में और भी तबाही मचाएंगे। बाकी आज के इस एपिसोड में जो हमने कैप्चर करा है मेना स्टिंग, उसके बाद गाइस हमारा वॉर्सेक्ट गाइस, देन उसके बाद हमारा क्यूब्रेन भाई लोग, देन उसके बाद हमारा जर्मन टाइड इग्निस, ये सारे के सारे पैल्स आपको कैसे लगे जरूर नीचे कमेंट करके बताना। बाकी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है हो जाता है ये पे खत्म। मिलते हैं पैल वेड के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा, बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। And how careless we could be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were